टी20 वर्ल्ड कप के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाएंगे चार बड़े मुकाबले। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। भारत और चीन प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबले का इंतजार फैंस बेसब्री से करते हैं। हाल में टी20 वर्ल्ड कप में इन दोनों टीमों की भिड़ंत हुई थी। भारतीय टीम खास नहीं कर सकी और 10 विकेट से सुपर 12 रन के मुकाबले में पाकिस्तान से हार गई। यह पहला मौका था जब विश्व कप में भारत को पाकिस्तान से हार मिली है। अब क्रिकेट फैंस फिर से इन दो पड़ोसी देशों की क्रिकेट टीमों को आमने सामने देखना चाहते हैं। टीम इंडिया यूएई में जारी टी20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है। ग्रुप दो से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ऐसे में इस वैश्विक टूर्नामेंट के खिताबी मैच में भारत और पाकिस्तान की टक्कर की उम्मीद अब टूट गई है। पूर्व दिग्गज पेसर शोएब अख्तर ने भी उम्मीद जताई थी कि भारत और पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में आमने सामने हो सकते हैं, लेकिन अब यह संभव नहीं है। भारत ने कल यानी 8 नवंबर को नामीबिया के खिलाफ अपना आखिरी मुकाबला खेला था और वहीं यह विराट कोहली के लिए भी बतौर टी20 कप्तान आखिरी मुकाबला था। अगले साल यानी 2022 में श्रीलंका की मेजबानी में एशिया कप खेला जाना है। भारत और पाकिस्तान दोनों उस टी20 टूर्नामेंट में खेलेंगे। ऐसे में साफ है कि इन दोनों टीमों की भिड़ंत जरूर होगी। साल 1983 से खेले जा रहे एशिया कप का आयोजन 2018 में आखिरी बार हुआ था, तब भारतीय टीम ने फाइनल में बांग्लादेश को हराकर खिताब जीता था। उस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत हुई थी। भारत ने तब रोहित शर्मा की कप्तानी में 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी। अब 2 साल बाद फिर भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय टीम साल 2023 में पाकिस्तान जा सकती है। एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी ACC की बैठक में 2023 में होने वाले वनडे एशिया कप के आयोजन की जिम्मेदारी पाकिस्तान को दी गई है। बता दें कि 2023 के वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में होना है। ऐसे में पाकिस्तान की टीम इस दौरान भारत आएगी। BCCI के सचिव जैसा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला हुआ है। पाकिस्तान पहले ही साफ कर चुका है कि वह घरेलू मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं आयोजित करेगा। PCB और BCCI दोनों ने इस फैसले के बारे में पुष्टि कर दी है। जल्द ही इसका पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। अगले साल ही ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन होना है। अक्टूबर नवंबर 2022 में होने वाले इस टूर्नामेंट में भी भारत और पाकिस्तान की टीमें आपस में भिड़ती नजर आएंगी। COVID-19 के कारण भारत की मेजबानी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2021 को UAE में आयोजित किया गया था, नहीं तो भारत में ही पाकिस्तान की टीम पड़ोसी मुल्क का सामना करती। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।